अब तक आपने देखा? आज मैं वो खेल दिखाऊंगी जो 100 सालों से हमें दिखाया जा रहा है और दिखा के डराया जा रहा है। अब आगे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, आप लोग बैठ जाइए। ये कोई जादू नहीं था, आंखों का धोखा था। क्यों भैरवी जी, है ना? अब अगला नंबर है, काजल दीदी। आपका डर क्यों रही है? आइए ना, इधर आइए। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, इस चाकू से इस नींबू को काटना है। आप डर क्यों रही हैं? बस एक नींबू ही तो काटना है। अब मैं तो एक बात बताना आप सबको भूल ही गई, अगर काजल दीदी का दिल साफ हुआ तो इस नींबू का रंग भी साफ होगा। लेकिन अगर काजल दीदी के दिल में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो बेचारा नींबू भी खून के असर होएगा। क्या हुआ काजल दीदी, आप डर क्यों रही है? आपका दिल तो बिल्कुल साफ है ना? मारे बहू को सबके सामने बेइज्जत कर रही है, मारे ही घर वालों के साथ मारे ही सामने चाल चल रही है। नहीं ताऊजी, ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई चाल है, ये प्योर साइंस है। देखिए, नींबू के अंदर
एल्कलाइन एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी प्रकार केमिकल के साथ मिलकर अपना रंग बदल देता है। इस नींबू को मैंने पहले से ही अमोनियम थायोसाइनाइड और फेरिक क्लोराइड के घोल में डुबाकर रख दिया था, जिसकी वजह से इस नींबू ने उस केमिकल को पूरा सोख कर लिया। और जब काजल दीदी ने इस नींबू को इस चाकू से काटा, तब केमिकल रिएक्शन की वजह से इस नींबू का रंग बदल चुका था। हम लोग स्कूल में इन सब चीजों के बारे में पढ़ते तो है, प्रैक्टिकल क्लासेस भी करते, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। और फिर जादू के नाम पर साइंस का सहारा लेकर ढोंगी ठग लोग हमें बेवकूफ बना देते हैं। काजल दीदी, वो दिल वाली बात आप दिल पे मत लीजिएगा, वो तो मैं बस यूं ही मजाक कर रही थी। मैं क्या, यहाँ पे तो सब लोगों को पता है कि आपका दिल कितना साफ है। बस आप उन लोगों से दूर रहिएगा जो इन केमिकल की तरह होते हैं, दिल को काला कर देते। रीति, वो बात तो ठीक है, मगर माजी के हाथ में आग कैसे लगी? मैंने उस रुमाल पर पहले से ही फास्फोरस लगा के रख दिया था। जब मैंने दादी के हाथ पे उस रुमाल को रगड़ा तो दादी के हाथ में भी फास्फोरस लग गया था। अब फास्फोरस का नेचर ये है कि वो नमी के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है। जब मैंने पानी पीकर दादी के हाथ में फूंक मारी तो मेरी मुंह की नमी की वजह से दादी के हाथ में आग लग गई। वाह भाभी, की दादू आप मुझे भी सिखाओगी? हाँ जरूर सिखा दूंगी, अरे ये तो कोई भी सीख सकता है। लेकिन उससे पहले अपने मन के सुपरस्टिशन को दूर करो और जादू के मजे लेकर साइंस को जय बोलो। तुम साबित क्या करना चाहती हो? विज्ञानी सब कुछ है, सिद्धि के कोई मायने नहीं। अरे ताऊ जी, रीति का वो मतलब नहीं है, रीति किसी सिद्धि या रिलीजन को झूठा नहीं साबित करना चाहती। अब क्या है ना कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग जब सिद्धि करते थे तो वो भगवान को पाने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए करते थे। आजकल के बाबा लोग का क्या है, सबको ठगने में लगे रहते हैं, झूठ बोल के बेवकूफ बनाते हैं। मुझे तो लगता है ये काम बहुत गलत है। इनफैक्ट हम सबको इसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्यों? बिल्कुल, आप लोग खुद ही सोचिए ना, क्यों हर जादूगर लंबे आस्तीन वाला कोट पहनता है? क्योंकि वो अपने आस्तीन में अपना सारा सामान छुपा के रखते हैं, हर चीज अपने हैट के अंदर वो छुपा के रखते हैं। फिर जब छड़ी और रुमाल के सहारे जादू दिखाते तो हमारा ध्यान भी उस छड़ी और रुमाल पे जाता है और फिर हम आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। ये सब जो धुआंसा होता है, क्या नजर का धोखा है? नहीं ताऊ जी, ये भी साइंस का कमाल है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर आप वॉशिंग पाउडर में मिलाकर बॉटल में डालोगे तो फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से वो धुआं क्रिएट करेगा। चलो मान लिया तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो जलते हुए अंगारों पे कैसे चलते हैं? हाँ बोलो। अरे माँ जी, जलते हुए अंगारों पर तो आप भी चल सकते हैं, इसके लिए कोई भी सिद्धि विद्धि या फिर जादू टोने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत पड़ती है तो सिर्फ इथाइल अल्कोहल की, जिसमें आप अपना पैर डुबो लीजिए और फिर जलते हुए अंगारों पर आराम से चलिए। इथाइल अल्कोहल आपके पैर और अंगारों के बीच में एक पतला सा लेयर क्रिएट करता है, जिसके वजह से अंगारों की गर्मी आपके पैरों तक नहीं पहुंच पाती है। और ये जो आप न्यूज पे सुनते हैं या फिर देखते हैं कि कोई मूर्ति रो पड़ी है या फिर किसी मूर्ति ने दूध पी लिया है, ये सब कुछ कैपिलरी एक्शंस है।
भगवान को अपना चमत्कार दिखाने के लिए इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उनका सबसे बड़ा चमत्कार तो हम और आप हैं। ये ह्यूमन बॉडी ही इस संसार में भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। बहुत खूब रही थी वो। आज तुमने हम सब लोगों की आंखें खोल दी। अब जादू के नाम पर हम लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो बस आज के बाद हम ये तय कर ले कि सबसे बड़ी बड़ाई पढ़ाई होती है। ज्ञान हमारी आंखें खोल देता है, और अगर आंखें खुली हो तो कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता, धोखा नहीं दे सकता और लूट भी नहीं सकता। अब आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं जादू की सबसे एक्साइटिंग ट्रिक दिखाने वाली हूँ, जो मुझे यहाँ से एक पल में गायब करके वहां पहुंचा देगी जहां मेरी दुनिया है। तो क्या आप लोग तैयार हैं देखने के लिए? हाँ। होगा काली साड़ी का कमाल। जैसे ही ये टेबल के अंदर जाएगी तब मैं अपना सिद्धि लगाऊंगी, फिर ये यहाँ से ऐसे गायब होगी कि वापस कभी नहीं आएगी। चक्कर से आ रही है माँ जी, धुएं का असर है। जादूगर यही तो करते हैं, पहले आपको सोचने का मौका नहीं देते हैं और फिर आपको दिखाई नहीं देता है और जादूगर आराम से गायब हो जाते हैं, जैसे अभी मैं हो जाऊंगी। मारे को कोई दिखाई क्यों ना दे रहा है? चिंता मत करो माँ, मुझे पता है रीतिका कहाँ है। वहीं जहाँ उसे होना चाहिए।
आप लोग उससे मिलना चाहते हैं? ये कोई पूछने वाली बात है? बताना कहाँ है वो? आइए। आप भी आइए। कैसा लगा मेरा मैजिक ट्रिक? प्रीति, तुम वहां से गायब होके यहाँ कैसे आ गई? वो धुएं की वजह से आप सबको पता ही नहीं चला कि मैं कब वहां से निकली और मेरे कमरे में आ गई। ये कमरा मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है। और अब यहां से, यानी कि मेरी जिंदगी और मेरी दुनिया से मुझे कोई जादू टोना करके नहीं निकाल सकता। मुझे तो इस बात की तसल्ली है कि इन दोनों ने सब कुछ भुलाकर एक साथ रहने का फैसला किया है। चीमा, हमने ये फैसला सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि हम पति पत्नी हैं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि हमारी थिंकिंग मिलती है। हम लोग ये जादू टोने में विश्वास नहीं करते। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, साइंस पे भरोसा है। प्रीति बहू, हम सबको तुम पर गर्व है कि तुम पढ़ी लिखी हो। आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी, हमें बता दिया कि ये जादू टोना कुछ नहीं होता, बस हाथ की सफाई है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है विज्ञान, जो ज्ञान से आता है। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली, जिसे अच्छाई और बुराई में फर्क पता है, सच और झूठ की पहचान है, जो संस्कारी तो है लेकिन साथ में सेंसिबल भी है। क्या ढूंढ रही हो? वो मेरे बैग्स कहाँ गए? वो तो मैंने वहां रख दिया ऊपर, वो देखो। अरे तुमने ऊपर क्यों रख दिया? मुझे तो सामान निकाल के रखना है। अरे सुनो, हमारा सामान भी सारा सेट कर दिया मैंने। सेट कर दिया? हाँ, वो तुम्हारी जो साड़ियाँ थी वो सारी हैंगर में टांग दी है, वो जो एक्सपेंसिव साड़ियाँ थी वो वहीं नीचे करके रखी है, और ज्वेलरी सारी तुम्हारी ड्रॉज में डाल दी है, और वो नीचे वाले शेल्फ में बुक सेट कर दी सारी। ठीक है ना, तुम चाहो तो एक बार चेक कर लो। नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जो भी करोगे परफेक्ट ही करोगे। और हाँ, मैंने बेड भी साफ कर दिया था, चादर काफी गंदी थी, झाड़ दिया मैंने,
और एक्चुअली मैंने पूरा कमरा ही साफ कर दिया है, कोई भी सामान इधर उधर नहीं है। आई नो तुम्हें सामान इधर उधर बिखरा रहे पसंद नहीं है ना। प्लीज विभोर, अब इतना भी मत करो कि मुझे यकीन ही ना हो कि तुम वही विभोर हो। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं बन गए। अब तुम जैसी हो वैसा ही बन रहा हूँ ना। ये भी? हाँ, अब देखो हमारे थॉट्स तो वैसे ही मिलते हैं, मतलब सोच हमारी कैसी है तो हम दोनों ही जैसे क्यों नहीं हो सकते। रीति, लाइफ हर एक को सेकंड चांस नहीं देती, और अगर मुझे सेकंड चांस मिला है तो मैं इस पर कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आई वॉन्ट आवर रिलेशनशिप टू वर्क। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सुपर कूल हैंडशेक सिखाता हूं तुम्हें, कॉलेज में क्या करता था। लेगो एंड देन